टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई, पूरे देश में जम के जश्न मनाया गया। जब बारबाडोस से टीम इंडिया दिल्ली लौटी तो वहीं से लोग लगातार टीम इंडिया को फॉलो कर रहे थे, उनके जश्न में उनके साथ शामिल हो रहे थे। फिर टीम इंडिया मुंबई पहुंची, वहां एक विक्ट्री परेड निकाली गई, हजारों की संख्या में लोग रोड पर थे और पूरा मुंबई जाम हो चुका था। लेकिन इस सबसे पहले टीम इंडिया पीएम मोदी से भी मिली थी। पीएम मोदी ने टीम इंडिया के हरेक खिलाड़ी से बात की, इसी दौरान उन्होंने हरेक खिलाड़ी से कुछ कुछ सवाल भी पूछे। इसी दौरान एक सवाल पूछा गया कप्तान रोहित शर्मा से, बड़ा ही अहम वो सवाल था। आप सभी ने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जब रोहित शर्मा ने पिच से उठा के वो थोड़ी सी मिट्टी खाई थी, उस पर सभी ने सवाल किए कि रोहित ने ऐसा क्यों किया। यही सवाल पीएम मोदी के भी मन में था और जब पीएम मोदी ने रोहित शर्मा से इस सवाल को पूछा तो उसके जवाब में रोहित शर्मा ने क्या कहा वो आगे आप इस वीडियो में देखिए। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा, ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके, लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीज़ें देखी इसमें, मुझे इमोशंस नज़र आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप अच्छा